मूल इस बजट का जो मूल विजन है कि एक किसी भी प्रदेश को हमको आगे बढ़ाना है, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जी ने अमृतकाल की बात कही और अमृतकाल में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, जब देश की आजादी के सभी वर्षगांठ बनाएंगे तब उनका दीर्घकालिक लक्ष्य उन्होंने सेट किया है कि विकासशील भारत विकसित भारत के रूप में परिणत होगा, यह उनका दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो उसी के अनुरूप जब भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ कहां होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमको एक लक्ष्य बनाना और एक स्ट्रेटजी बनाना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज है और अभी से हमारा वो लक्ष्य और हमारी रणनीति तय होनी चाहिए, तभी हम उस दिशा में धीरे धीरे अपने कदम ले पाएंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना हमने इस बजट में की है और इसे हम 1 नवंबर 2024 को इसी साल जब राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाएगा तब 1 नवंबर 2024 को हम ये विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे कि आने वाले दो दशक से अधिक समय में हमारी रणनीति क्या होगी जिसके कारण हम विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना पाएंगे। ये हमारा दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होगा। और वहीं मोदी जी मिड टर्म टारगेट सेट करते हैं, उन्होंने मिड टर्म टारगेट सेट करते हुए कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लैंडमार्क को हमको अचीव करना है। उन्होंने देश के लिए इस तरह का मिड टर्म टारगेट बना के रखा हुआ है। अभी उन्होंने एक नए मिड टर्म चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। दुनिया के कई अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में मोदी जी का जो तीसरा टर्म होगा उसमें भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बन सकती, ऐसे कई इकोनॉमीज बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने चैलेंज लिया है कि उनका जो तीसरा कार्यकाल होगा मतलब अगला जो 5 साल होगा उसमें इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना उनका लक्ष्य है। जब वो आए थे 2014 में तो हम 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। 11वें से 5वें तक का जंप इन 10 सालों में हमने लगाया है और अगले 5 सालों के उन्होंने मिड टर्म टारगेट सेट किया है कि हम वर्ल्ड की इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में स्टेब्लिश करेंगे। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, ब्रिटेन को अभी हमने छोड़ा। तो इस तरह का मिड टर्म टारगेट मोदी जी ने सेट किया हुआ है, उसी के अनुरूप हम एक मिड टर्म टारगेट बहुत एग्रेसिव और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाए हैं। बहुत लोग बोलने लगे इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्यों बना रहे हो, तो जब हम बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा लक्ष्य बनाएंगे नहीं तो उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कैसे करेगी। इसलिए बहुत बड़ा टारगेट हमने बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट लिया है कि 2028 तक हम अपने GSDP को 10 लाख करोड़, आज 5 लाख करोड़ की GSDP है, उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए हम बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत एग्रेसिव टारगेट है, बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है, लेकिन उस दिशा में हम प्रयास तो करें। इस सोच के साथ इस एग्रेसिव आक्रामक टारगेट को हमने फिक्स किया है कि आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की GSDP को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पहुंचाना, ये हमारे छत्तीसगढ़ विजन जो विकसित छत्तीसगढ़ का हमारा सपना है 2047 का, उसके लिए एक मिड टर्म टारगेट के रूप में हम सेट कर रहे हैं। और अल्पकालिक टारगेट 1 वर्ष की हमारे बजट को आप उस रूप में देख सकते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो हमारा लॉन्ग टर्म विजन, हमारा मिड टर्म विजन और हमारा शॉर्ट टर्म विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। दैट इज आवर व्यू फॉर दिस बजट। इस बजट के लिए हमारा सोच यही है। अब वो इस एग्रेसिव टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे उसके लिए 10 पिलर हमने बनाए हैं कि हमारी रणनीति किस दिशा में जानी चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। और विस्तृत जो विजन डॉक्यूमेंट होगा वो हम बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिलकर के कोलोबरेट करके विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए हम प्रेजेंट करेंगे। ये 10 जो आधारभूत पिलर होंगे, इसमें पहला है ज्ञान, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु होंगे। दूसरा, तकनीकी आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करेंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स हमको इंट्रोड्यूस करना है, गुड गवर्नेंस इंश्योर करना है, उसके आधार पर फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की हम कोशिश करेंगे। तीसरा, अभी कैपेक्स बढ़ाना, बहुत सारे गारंटी और बहुत सारे राजस्व एक्सपेंडिचर आते हैं, उस बीच में कैपेक्स बढ़ाना बड़ा चैलेंज होता है। बट कैपेक्स एक सौ रुपए अगर कैपेक्स बढ़ता है तो 247 रुपए का GDP में कंट्रीब्यूट करता है। तो किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है तो कैपेक्स को उसको बढ़ाना ही होगा। इसलिए हमने इसमें भी बहुत एग्रेसिव टारगेट तय किया है। पिछले साल की तुलना में कैपेक्स में 20% की वृद्धि इस बजट में की गई है, जबकि पिछले 5 सालों में कैपेक्स का जो एवरेज ग्रोथ था वो 12% था। चौथा हमारा है कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही
प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, तो उनका उचित इस्तेमाल हम कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेज का, ये हमारा चौथा पिलर होगा। पांचवा पिलर होगा हमारा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। पहले स्लाइड में हमने देखा कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ में अभी बहुत कम है और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ का रेट भी बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए आने वाले समय में हम इसको फोकस करेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी बढ़ पाएगी। सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना, सरकार की इन्वेस्टमेंट की एक सीमा है। अभी वर्ल्ड में जो भी देश आगे बढ़े हैं, चाहे सिंगापुर का एग्जाम्पल लें, हम ताइवान का एग्जाम्पल लें, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लें, पिछले कुछ दशकों ने जो बड़ा जंप किया है, या छत्तीसगढ़ या भारत देश के अंदर गुजरात जैसे स्टेट का एग्जाम्पल लें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमको लाना पड़ेगा। तो हर सेक्टर में हम नहीं ला सकते, गरीब कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम भी चाहिए, लेकिन अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सुटेबल इकोसिस्टम बनाना हमारी रणनीति होगी, छठवें रणनीति के तौर पर। सातवां हमारा पिलर होगा बस्तर सरगुजा को फोकस करना, ये हमारा सातवां पिलर होगा। आठवां हमारा पिलर होगा डीडीपी डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट्स। हर स्थान की अपनी अपनी खूबी होती है, बस्तर की अपनी खूबी है, अपनी विशेषताएं हैं, रायपुर दुर्ग भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशेषता है, नया रायपुर की अलग संभावनाएं हैं, सरगुजा की अलग संभावना है, रायगढ़ कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की अलग संभावनाएं हैं, कृषि प्रधान जिलों जैसे महासमुंद बेमेतरा बलौदा बाजार इस तरह के जिलों की अलग संभावनाएं हैं, तो उसके अनुरूप हम अलग अलग पॉलिसी को प्रमोट करते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसे हमने एक टर्म दिया डीडीपी डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। और नवा हमारा पिलर होगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को फोकस करके काम करना। और दसवां, हम जितनी भी बातें करें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन। जब तक हम कितना भी बड़ा सोच लें, कितने भी अच्छे विचार हों, जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आना है। इसलिए हमारा एक पिलर हमने इम्प्लीमेंटेशन को रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए ये हमारा दसवां और महत्वपूर्ण पिलर है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। मोदी की गारंटी के तहत जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने 8,369 करोड़ रुपए प्रावधान किया है। अभी द्वितीय अनुपूरक में 3800 करोड़ रुपए प्रावधान किया था। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का निर्णय हमारी सरकार ले चुकी है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। जो जल जीवन मिशन है उसके लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा भुगतान करने का हमने निर्णय लिया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हम 10,000 रुपए का भुगतान करेंगे। 7,000 रुपए जो पहले थे उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की गारंटी हमने अपने संकल्प पत्र में दिया था, उसी के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है।